नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप सिंह अग्रि चिकित्सा से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बुआई के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रबी का सीजन चल रहा है, इसमें गेहूं की बहुत जोरों शोरों से बुआई चल रही है। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले आपको बता दें कि गेहूं की बुआई जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। अगर बुआई लेट होती है तो उसके पैदावार में कमी आती है, क्योंकि उसके दाने निकलते समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ जाती है, इसलिए दाने सिकुड़ जाते हैं और दाने छोटे हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। अगर खेत में नमी नहीं है तो आप फसल की बुआई ना करें, पहले उसको पलेवा कर दें, फिर 5 से 6 दिन पर आप उसकी जुताई करके बुआई कर दें। बुआई करने के पहले आप बीज को कार्बेंडाजिम से या थीरम से 2% के हिसाब से ट्रीट कर लें, जिससे फंगस वाली बीमारियां नहीं होंगी। और किसान भाइयों, बुआई के समय नमी का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जर्मिनेशन परसेंटेज घटेगा तो जब खेत में पौधे नहीं रहेंगे तो पैदावार कहां से होगा। तो सबसे पहले हम नमी पर विशेष ध्यान देते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं। बुआई हम 1 हेक्टेयर में 120 किलो के हिसाब से अगर लाइन सोविंग करते हैं तो उतना बीज पर्याप्त है। अगर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा छिड़कावा विधि द्वारा कर रहे हैं तो 140 से 150 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करना चाहिए। बुआई के लिए किसान भाइयों, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही तापमान बढ़िया है, जिसमें जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़िया होता है और इसका विकास बढ़िया होता है। और किसान भाइयों, हम बात करें सिंचाई के बारे में, तो अगर किसान के पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो वह 20 से 22 दिन में पहली सिंचाई कर दे, क्योंकि उस समय जो है गेहूं का CRI स्टेज चलता है और उसमें कल्लों का विकास होता है, तो उस समय पानी की उपलब्धता खेत में देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद अगर किसान भाई के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो जब दाने निकल रहे हों, जब बालियां निकलना शुरू हों, उस समय दें। वैसे अगर किसान भाई के पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो आप खेत की नमी के हिसाब से सिंचाई लगातार करते रहें। पहली सिंचाई करने के बाद गेहूं में जो खरपतवार प्रबंधन है, खरपतवार उग जाते हैं, उनके कंट्रोल के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाले सिर्फ खरपतवार हैं तो आप 2,4-D का इस्तेमाल करें, और अगर नैरो लीफ वाले जैसे गिल्ली डंडा वगैरह हो गए, इसमें अगर ये खरपतवार है तो आइसोप्रोटीरान का आप यूज करें। अगर दोनों ही खरपतवार मिक्स हैं तो आप 2,4-D और आइसोप्रोटीरान दोनों मिक्स करके दवा आप पत्तियों पर छिड़काव करें, और छिड़काव करने का सही समय जो है आप 10 बजे के बाद और 12-1 बजे के पहले आप छिड़काव संपन्न करें।